तो जय श्री श्याम, स्वागत है आप सभी का मेक योर टूर्स राघव के साथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी नई यात्रा शुरू होने जा रही है उसके बारे में संपूर्ण विवरण देने के लिए। तो जो लोग चैनल पर नहीं है, सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, 24 अप्रैल 2023 से हम लोग उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा करवाएंगे। हमारी पहली गाड़ी 23 अप्रैल 2023 को चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रही है जयपुर से। और दोस्तों, 24 तारीख से हमारी ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। तो सबसे पहले हम हरिद्वार से यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए जाएंगे। रास्ते में कैंपटी फॉल देहरादून होते हुए हम यमुनोत्री पहुंचेंगे और यमुनोत्री पहुंचने के बाद हम यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से यमुना नदी की शुरुआत होती है और यही यमुना नदी आगे जाकर लाखों लोगों के जीवन को संपन्न बनाने का कार्य करती है। दोस्तों, यमुना नदी की उद्गम स्थल को देखने के बाद हम लोग गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। और गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थल है और गंगोत्री दर्शन करने के बाद हम लोग बाबा केदारनाथ के लिए, जो कि ये यात्रा गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जो हमें पैदल, खच्चर, पोनी या हेलीकॉप्टर के द्वारा भी हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। और तो हम इस यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से करेंगे। गौरीकुंड से यात्रा की शुरू करने के बाद हम लोग केदारनाथ पहुँचेंगे और केदारनाथ में बाबा के दर्शन करेंगे। हम एक रात्रि के लिए बाबा केदार के दरबार में भी विश्राम करेंगे। एक रात का स्टे हमने स्पेशल वहाँ पे दिया है कि बाबा के चरणों में कुछ समय हम बिताएं, क्योंकि बाबा केदारनाथ के वहाँ पर रात्रि विश्राम एक अलग ही रोमांच है। तो हम वहाँ पे भी बाबा के दर्शन भी करेंगे और बाबा के वहाँ पे एक रात्रि के लिए विश्राम करेंगे। बाबा के दर्शन करने के बाद हम वापस गौरीकुंड आएंगे और सोनप्रयाग होते हुए हम बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चार धाम का आखिरी धाम रहेगा हमारी इस यात्रा में। और वहाँ के दर्शन करने के बाद हम ऋषिकेश होते हुए वापस हरिद्वार आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस यात्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेन, वो हरिद्वार रहेगा, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है। तो हमारी यात्रा में भी जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है हमारे साथ, सभी लोग हमें हरिद्वार बोर्डिंग पॉइंट पे रिपोर्ट करेंगे। हरिद्वार में हमारे ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव उनको साथ में लेगा, उनका वेलकम करेगा और उन सभी लोगों को इस यात्रा से संबंधित सारी जानकारियां प्रदान करेगा और उनकी मदद करेगा इस यात्रा को संपूर्ण कराने के लिए। तो दोस्तों, इस यात्रा में हम जो सुविधाएं आप लोगों को देने जा रहे हैं, उसमें होटल में रहना, रात्रि का खाना, सुबह का नाश्ता, आना जाना और भी रास्ते में जो भी दर्शनीय स्थल आ रहे हैं, उन सभी के दर्शन हम आप लोगों को करवाएंगे। तो दोस्तों, इस यात्रा में आइए और बाबा केदारनाथ के, बद्रीनाथ के, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। पुराणों में भी चार धाम की यात्रा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चार धाम की यात्रा करने से हमारे जीवन में जो भी संकट आते हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी का निवारण होता है। तो दोस्तों, अपने बुजुर्ग माता पिता को, अपने परिवार वालों को, अपने जो लोग भी इस यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं, उन लोगों को ये यात्रा करवाइए। आपको भी बाबा का आशीर्वाद इसमें मिलेगा और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। इस यात्रा में हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी यात्रा को अधिक से अधिक हम सुखमय और बेहतरीन बना सकें। इसके लिए मेक योर टूर्स राघव के साथ निरंतर प्रयास कर रहा है। निरंतर हम होटल वालों के, गाड़ी वालों के संपर्क में हैं कि इस यात्रा को और भी हम सुविधाजनक कैसे बना सकते हैं। इस यात्रा में हमने पूरी कोशिश की है कि इस यात्रा में हम इस हिसाब से हमारा ट्रैवल प्लान डिजाइन कर रहे हैं कि जिसमें यात्री को आराम भी मिले और उसको दर्शन भी आराम से हो जाए। ये यात्रा 11 दिन और 10 रातों की रहेगी, जो कि हरिद्वार से शुरू होगी। तो इस यात्रा में दोस्तों आइए और बाबा के
दर्शन कर उनका आनंद उठाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने जीवन में सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़े। तो दोस्तों, मेक योर टूर्स राघव के साथ आपको आमंत्रित करता है इस यात्रा के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी इस यात्रा को हम अधिक से अधिक सुखमय बनाएं और आपके ऊपर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, आइए मेक योर टूर्स राघव के साथ उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है। जय श्री श्याम। धन्यवाद।